छत्तीसगढ़ में ईडी ने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। ईडी की इस कार्रवाई पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, ईडी की रेड को राजनीतिक उद्देश्य के लिए बताया है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासन में हुए चिटफंड घोटाले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग पर ईडी जांच क्यों नहीं करती है। सीएम बघेल ने कहा कि केवल सरकार को बदनाम करने के लिए रेड किया जा रहा है। दरअसल शुक्रवार की सुबह ईडी ने एक साथ आईएएस अफसर पी अम्बलगन के घर और पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर के घर रेड की कार्रवाई कर रही है। इससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने कुछ कारोबारियों के यहाँ भी दबिश दी है। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान इस रेड को लेकर सीएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव तक ईडी की टीम रहेगी, ये मैंने पहले भी कहा था और यही होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में लड़ नहीं पा रही है, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार प्रभारी बदल रहे हैं, सब बदल के देख लिया तो अब यही एक हथियार बच गया। ईडी आईटी के माध्यम से सरकार को बदनाम कर रही है। होना जाना तो कुछ नहीं है, केवल अधिकारी कर्मचारियों को परेशान करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार के आरोप में कहा, रिपीट, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार के आरोप में कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच ईडी क्यों नहीं करती। हम नान घोटाले की जांच करना चाहते थे तो बीजेपी हाईकोर्ट में स्टे लेकर बैठे हैं। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने याचिका लगाया है, हम जांच करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग प्रभावित करते हैं। चिटफंड में छत्तीसगढ़ के हजारों करोड़ रुपए डूबा है, हम बोलते हैं उसका जांच करो तो जांच नहीं करते हैं। राज्य सरकार की बात माननी चाहिए, देश भर में पहली सरकार है हमारी जो चिटफंड कंपनियों के पैसे कूर्क कर निवेशकों को वापस कर रही है। इस पैसे का कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, इसलिए ईडी इसकी जांच करे, क्यों नहीं करती है। सीएम ने ईडी रेड पर कहा कि उनका एक राजनीतिक उद्देश्य है, उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि ईडी की टीम ने शुक्रवार करीब 6 बजे रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित आईएएस अफसर पी अम्बलगन के घर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा राज्य के राजनीति से जुड़े लोगों और कारोबारियों के यहाँ भी ईडी का छापा चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई पिछले साल हुए कोयला ट्रांसपोर्टिंग में गड़बड़ी के मामले में नए इनपुट की तलाश में ईडी ने किया है। ईडी ने दावा किया है कि 25 रुपये प्रति टन कोयले के अवैध कमीशन से 2 सालों में 540 करोड़ की उगाही की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।